टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना शानदार फॉर्म में हैं। रैना ने सैयद मुश्ताक टी20 ट्रॉफी टूर्नामेंट में सोमवार को बंगाल के खिलाफ 59 गेंदों में 126 रनों की तूफानी पारी खेलने के अगले ही दिन यानी मंगलवार को तमिलनाडु के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद तमिलनाडु की टीम ने यूपी को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही रैना टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रैना अब 7,114 रनों के साथ शीर्ष पर जा पहुंचे हैं, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार को कोलकाता में खेले गए यूपी और तमिलनाडु के बीच मुकाबले में सुरेश रैना ने 41 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही लगातार दो पारियों में दमदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने टीम इंडिया में वापसी के लिए अपना दावा मजबूत किया है। आपको बता दें कि हाल ही में सुरेश रैना ने योयो फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है। यह टेस्ट राष्ट्रीय टीम में बने रहने के लिए जरूरी है। फिटनेस के कारण ही रैना राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे हैं। रैना पिछले 2 सालों से वनडे टीम से बाहर हैं। उन्होंने अपना पिछला टी20 मैच पिछले साल जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था।